अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ फयाज अपने YouTube चैनल का किचन गार्डनिंग के साथ। दोस्तों, ये जो आप पैलेट देख रहे हैं, इसमें आपने मेरी पहली वीडियोस में देखा होगा कि इस तरह हमने बहुत सारे इसमें पौधे लगाए हुए थे। ख़ास तौर पे इस पैलेट में मैंने वो जो चेरी टमाटो है येलो कलर में वो लगाया था, लेकिन अब ये देखें, ये बिल्कुल मैंने खाली कर दिया है। इसमें भी हमारे पौधे लगे हुए थे मुख्तलिफ़, और ये हमारा जो है दोस्तों, ये हमारा मोंगरे का पौधा है। इसको हमने सीड कलेक्शन के लिए छोड़ा हुआ है, इसे हमने बीज हासिल करने हैं। उसकी मेरी एक अलहदा वीडियो है, वो इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। और ये देखें दोस्तों, ये हमारी सर्दियों की सारी सेटिंग थी। इस पैलेट में से जो पौधे मैंने निकाले हैं वो ये देखें, वो मैंने इन प्लास्टिक बैग्स में रख लिए हैं। ये देखें, ये सारा हमारा येलो टमाटो लगा है। उसके अलावा ये पीछे हमने सारा वो बैंगन लगाया हुआ है, ये सारा हमने बैग्स में शिफ्ट कर दिया है। ये दोस्तों आप मेरी जो सारी सेटिंग देख रहे हैं, ये सर्दियों की सेटिंग है। अब गर्मियों के लिए मेरे पास माशाल्लाह से काफ़ी सारी सब्जियों और फलों के जो हैं वो पौधे तैयार हो गए हैं, जिनको मैंने यहीं पे एडजस्ट करना है। इस मकसद के लिए ये जो पैलेट थे, ये हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, इसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा जगह जो है वो इन्होंने घेरी हुई थी। तो अब मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं इन पैलेट्स को ख़त्म कर दूँगा और इनकी जगह पर बैग्स में अपने पौधों को सेट करूँगा। ये देखें दोस्तों, ये सारी फ़िलहाल मौजूदा सूरत हाल ये है। ये मेरी एक छत का ओवरव्यू है जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल ऐसे है। अब जब मैं इस सारे एरिए को रीअरेंज करूँगा, इसको नए तरीके से सेट करूँगा, तो वो भी क्लिप मैं इसके साथ ही अटैच करूँगा। ये देखें, ये मेरे फ्रंट की इस वक्त यह सूरत हाल है। अब दोस्तों हम इसको रीअरेंज करने लगे हैं। इसमें कुछ बेलें हैं मेरे पास सब्जियों की, उनको भी मैंने यहीं पे चढ़ाना है। उनको जो है डोर के साथ या किसी धागे के साथ मैंने बांधना है, ताकि वो अपनी ग्रोथ को अच्छे तरीके से कर सकें, स्पीडी शूट करें। तो मिलते हैं दोस्तों अब इस सारे को जो है रीअरेंज करने के बाद। Thank you.
वाले को ही काम है। बड़ा सारी परेशानियां दस ये देखें दोस्तों, ये हम सफाई करके बेहतरीन जगह हमने तैयार कर ली है। ये दोस्तों वही जगह है जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले दो पैलेट पड़े थे।
ये देखें दोस्तों, आपको जगह देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारा पैलेट सिस्टम कितना कामयाब रहा है। उसके नीचे जो हमने प्लास्टिक बिछाया था वो बिल्कुल वाटरप्रूफ था, उसने पानी का एक कतरा भी नीचे नहीं जाने दिया। और ये देखें हमारी इस जगह पर किसी किस्म का कोई सैलाब या कोई ऐसी नमी कुछ भी जो है वो नीचे नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह जो है वो हमें मिल गई है। अब दोस्तों इस जगह पर हम जो है अपने गर्मियों के जो पौधे हैं उनके एडजस्टमेंट करते हैं, जो बेल वाले पौधे हैं देखते हैं उनको कहाँ जगह मिलती है, और दूसरे जो हमने शॉपर तैयार किए हैं उनको कहाँ पर जगह मिलती है। तो वो अब वो जगह सेट करके तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम हमारी जो फाइनल सेटिंग है वो कैसी हुई है।
ये देखें दोस्तों, आखिरकार मैं सारी जो है अपनी वो छत को रीअरेंज मैंने सारा कर दिया है। ये देखें, ये हमारे वो हलवा कद्दू स्क्वैश, ये माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रोथ में जा रहा है। ये देखें, ये सारा येलो टमाटो और वो शिमला मिर्च, बैंगन, ये सारे, ये देखें यहाँ पे दोस्तों, इस तरह के दो पैलेट जो थे, जिस तरह के ये दो पैलेट पड़े हैं, ऐसे ही दो पैलेट यहाँ पे रखे हुए थे, वो मैंने उठा दिए और उसकी जगह पे ये सारे मैंने यहाँ पे ऐसे शॉपर सेट कर दिए हैं। ये देखें, ये हमारी जो बेले थी उनको मैंने ये धागे के साथ ऊपर बांध दिया। आए मैं आपको अपना खीरे का जो है वो रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से, देखें कितनी अच्छी मिकदार में इसमें खीरे लगने शुरू हो गए हैं। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह से खीरे से ये हमारा पौधा बिल्कुल भर गया है। ये सारे बाकी आगे इसमें तरबूज है, खरबूजा है, और सबसे आखिर में ये हमारे सारे भिंडी के पौधे हैं। ये देखें, ये हमारा सारा टमाटर, इसकी भी शुरू से लेके आखिर तक की मेरी आज तक की सारी वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। ये मेरी बोगनवेलिया, ये देखें एक छोटी सी टोकरी में लगी हुई है, लेकिन इसकी ग्रोथ देखें माशाल्लाह। ये हमारा सदाबहार, ये बोगनवेलिया आ गया। ये देखें, ये तरबूज के पौधे, ये हमारी रात की रानी, ये सारा हमारा हरी मिर्च, बैंगन, मोतिया, धनिया, लाल मिर्च, और ये सारा गुलाब। ये दोस्तों मेरी एक छत का व्यू। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।